हिमाचल की राजनीति का पारा अब गर्म होगा क्योंकि प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं लंबी डिस्कशन के बाद, सोच विचार और हर पहलू पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने आखिरकार कांगड़ा सीट से टिकट आनंद शर्मा की झोली में डाल ही दी। इसी के साथ कांग्रेस ने अपनी मंशा को भी जाहिर कर दिया है कि वे कांगड़ा सीट पर ब्राह्मण वोटरों को साधना चाहते हैं और कांग्रेस द्वारा अपनाई गई चाणक्य नीति कितनी सफल होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको हम कांगड़ा चंबा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद शर्मा के बारे में बता दिए चलते हैं। केंद्र की राजनीति में आनंद शर्मा का नाम काफी चलता है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे जो NSCI के संस्थापक सदस्य रहे, 1982 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। उसके बाद 1984 में वे हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनकर केंद्र की राजनीति में आए। कहा जाता है कि आनंद शर्मा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काफी करीबी रहे थे। 2009 में उन्हें केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया। 2010 में उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। वहीं 2011 में वे कपड़ा मंत्री रहे। 2016 से वे हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। इसी के साथ वे राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे। केंद्र की राजनीति में लंबी पारी खेलने के बाद हाईकमान ने उन्हें कांगड़ा सीट पर प्रत्याशी के तौर पर भेजा है। देखना रहेगा कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण में कौन बाजी मारता है। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।